और अब मदनी खबरों की तफसील। मस्जिद खुशबुदार रखिए और भी बहुत सारे मदनी फूलों से नवाजा शेख तरीक़त अमीर आले सुन्नत दामत बरकातहुल आलिया ने दौरान मदनी मुज़ाकरा, जबकि आशिकान रसूल ने आपके हमरा खाना खाने की सआदत हासिल की। रमजान का महीना रहमत लुटा रहा है, रमजान का महीना रहमत। खाने के बाद मिसवाक करें, सोकर उठें, सोकर उठे तो मुंह में बदबू आला हज़रत ने लिखा कि होती है, तजर्बा भी किया है। तजर्बा यह है कि मुंह की बदबू टेस्ट करना यह दुआ की तरह। तो पता चल जाएगा बदबू होगी वो आएगी। नींद से उठकर तो होती है, तो इसमें कुछ पढ़ना यह आला हज़रत ने मना फरमाया। पहले मिसवाक करें या कुलियां कर लें फिर पढ़े। अब जैसे कि कच्चा लहसुन, कच्ची प्याज वगैरह खाते वक्त, या किसी गिजा में ऐसी कच्ची मूली, और होती है आजकल ये मस्जिदों में आते हैं समोसे, कच्ची प्याज इसमें काट कर समोसों में होती है, वो तलते हैं समोसे, लेकिन मैंने खुद देखा है कि प्याज कच्ची होती है, बदबूदार होती है, इसको मस्जिद में खाना नाजायज है। इसी तरह छोले मस्जिदों में बहुत आते हैं इफ्तार के लिए, लोग बेचारे सवाब के लिए देते हैं। अगर पता है कि ये मस्जिद के अंदर खाया जा रहा है, अब तो देना सवाब कहाँ से मिलेगा, मस्जिद में भेजा भी ना जाए। आप छोलों का और इन समोसों का बायकॉट कर दें, ये खुद ही सही हो जाएंगे बेचने वाले। इनको क्या नहीं पता कि लोग मस्जिदों में ले जाते हैं। कच्ची प्याज मैंने देखी है छोलों में होती है, वो मस्जिद में खा रहे हैं। एक तो ये मस्जिद में खाना नाजायज़ गुनाह, और फिर उसी गंदे मुंह से प्याज खाएं और मुंह में बदबू ना आए, ये कैसे हो सकता है। कच्ची प्याज, पक्की प्याज में बदबू नहीं होती, उसको मस्जिद में खाना भी जायज़ है। तो कच्ची प्याज खाकर मुंह में बदबू होती है, अब मस्जिद में ये बदबू के भपके उड़ाते हैं, ये भी हराम, और इतनी बदबू भी तकलीफ दे होती है, ईज़ा होती है कच्ची प्याज की बदबू। खाने के बाद जो मुँह से इसके भपके उठते हैं ना, मुझे तजर्बा है, कभी ये सब टकर जाता ना कोई आदमी, मज़ा नहीं आता। बस बदबू ज़ाइल करना ज़रूरी है। अगर आपके कपड़ों में, आपके मुंह में बदबू है, एक बार कान खोलकर फिर सुन लो, बदबू है तो मेहरबानी करके मस्जिद में नहीं आना। खा वो पसीने की बदबू है, खा वो बीमारी से बदबू है, खा वो ज़ख्म से बदबू है, या गंदा दहानी का आरिज़ा है, पेट की खराबी की वजह से बदबू है, या मुंह साफ ना करने की वजह से बदबू है, या रास्ते में चल रहे थे कोई ऐसी चीज़ से आपके कपड़े मस हो गए कि बदबू आ रही है, बदबू हो गई, अगरचे वो चीज़ पाक है, लेकिन मस्जिद का दाखिला हराम है।